हेलो गाइस, व्हाट्स अप? सो हाउ आर यू डूइंग माय डियर फ्रेंड्स? कैसे हैं आप सभी लोग? माय डियर फ्रेंड्स, लुक एट योरसेल्फ, असेस योरसेल्फ, नो योरसेल्फ एंड बी विद योरसेल्फ। व्हाई डू पीपल दे आर डिपेंडेंट अपॉन नेटफ्लिक्स, आई मीन ऑन प्राइम, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, ऑल दीज थिंग्स, दे टेक अवे फ्रॉम रियलिटी। They take you away from yourself. They make you to forget your goals, your dreams, and hence then you have no motivation to study, no motivation to work towards your goal, my dear friends. So hence, my dear friends, remove these distractions from your life. Obviously, somewhat entertainment should be there. Fine. So that should be moderated. So guys, with this positive thing in mind, let's begin this session without further ado. So guys, this is Daily Current Affairs of 21st May. मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? भाई भाई, जान लेते हैं, सुन लेते हैं, सीख लेते हैं। भाई आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है गाइज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपको आज देने वाला हूँ। What is up, सागर राणा, हेलो नीलव, स्नेहा देव जी, इशिका शर्मा, what is up with you guys? बहुत ही कम बच्चे दिख रहे हैं आज, तो भाई फटाफट से बुला लो बच्चों को। स्नेहा जायसवाल, राधिका शर्मा, गोकुल कृष्ण, ऐश्वर्या लैचक, सुमनदीप पुनिया, सागर राणा, कैसे हैं सुमनदीप, नीलव, ऋषिका, अश्नीत, भाई क्या हाल है? भाई मैप दिखा दूंगा, शांति रखिए। यस यस, ब्लैक फंगस काफी ज्यादा फैल रही है दोस्तों, ध्यान रखना अपना बहुत ज्यादा। चलिए तो गाइस, दिस इज द डेली करंट अफेयर्स ऑफ 21st मे, DCA। So guys, सबसे पहले देखिए, बच्चों को आने देते हैं, बात कर लेते हैं आपसे आज कुछ। देखिए गाइस, मेरे प्यारे मित्रों, टाइम्स दे आर क्वाइट टफ, काफी डिफिकल्ट टाइम है, काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है। आई कैन नॉट इवन कॉम्प्रिहेंड, बहुत सारे लोग आप तकलीफों से गुजर रहे होंगे इस टाइम पे, आपके घर वाले या फिर आप खुद, यू आर सफरिंग फ्रॉम कोविड। गाइज, ऐसे टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है अपनी हेल्थ के ऊपर। मीठा थोड़ा कम खाएं, क्योंकि ब्लैक फंगस मीठे पे, जब आपका ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है तो वो आपको ज्यादा पकड़ती है। फाइन। दूसरा, ड्रग्स, स्टीरॉइड्स, इनका इस्तेमाल ना करें। बॉडी बिल्डर जो कुछ भाई बहन होंगे मेरे यहाँ पे, डू नॉट डू दैट। और क्लीनलेस मेंटेन रखें अपने घर में, प्लीज डेली शावर लें, डेली नहाएं, अच्छे से नहाएं, that is very important my dear friends, fine। चलिए so guys, मैप दिखा दूंगा भाई। स्नेहा जी टेंशन ना लीजिए, मैप के पीछे कैसे पड़ गए सब। अश्नीत, वेरी सैडनिंग न्यूज, यस वी आर हियरिंग सच काइंड ऑफ न्यूज डेली, कि भाई आज ये हो गया, आज वो हो गया। इन माई यू नो एक्सटेंडेड फैमिली, टू डेथ्स वर ऑल्सो देयर ड्यू टू कोविड, एंड इट इज क्वाइट सैडनिंग वॉट वी कैन डू। एंड गाइस, यंग पीपल जो हैं वो इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा यूके का जो स्ट्रेन है उसकी वजह से छोटे बच्चों जो है दोस्तों वो भी पकड़ में आ रहे हैं, चपेट में आ रहे हैं, यू नो। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों। चलिए ओके, नाउ गाइस, विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए भाई, आ गए हैं काफी बच्चे, तो मैं आपको सबसे पहले तो देखो, कल मैं एक मैप डालना भूल गया था। मैंने आपके लिए मैप तैयार तो किया था बट वो कहीं गड़बड़ा गया, क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, कल आपको पता है, पहले मैं आपको न्यूज रिफ्रेश करवा देता हूं। इंडिया की 6 साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट में एड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। टेंटेटिव लिस्ट से पहले मैं आपको ये चीज एग्जैक्टली क्लियरली बता दूं मेरे प्यारे मित्रों, कि टेंटेटिव लिस्ट के बाद ये साइट्स जाएंगी शॉपिंग लिस्ट में, और उसके बाद जब वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी डिसीजन लेगी दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, तो उसके बाद दे विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ऑब्वियसली, है ना। तो अभी ये केवल टेंटेटिव लिस्ट में है, तो मैं आपको सभी एरियाज दिखाता हूं विद इमेजेस, वेरी गुड इमेजेस, ऐसी इमेजेस कि आप कभी भूलेंगे नहीं कौन कौन सी 6 साइट्स हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, सबसे पहले चलते हैं वाराणसी, द बेस्ट प्लेस, वी ऑल नो, वेरी 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 शांत प्लेस। सो गाइज, ये है वाराणसी, आप देख सकते हैं, सो ब्यूटीफुल घाट,
So guys, the first area is Ghats of Varanasi. So आप देख सकते हैं the Ghats of Varanasi from the air, Google Maps के through. So guys, ये है आपके Ghats of Varanasi. Clearly आपने ये चीज यहां पर देख ली है. Next हम देखते हैं guys, what temples of Kanchipuram and see how beautiful they look. Guys, इसको भी ये भी tentative list के अंदर है World Heritage Site के. Please do remember this in fine. Next, Satpura Tiger Reserve, a biosphere reserve as well, a beautiful place, a tiger reserve in the Vindhyan Mountains. आप देख सकते हैं Vindhyan Mountains, Satpuran Mountains के अंदर, Satpura नाम है तो Guys, इसके अलावा military architecture of Marathas, Pune के अंदर इतने सारे हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे वाड़ा हैं, शनिवार वाड़ा को दिखा देता हूँ, नाना वाड़ा है, etc. बहुत सारे हैं, बट मैं यहाँ पर आपको ले चलता हूँ शनिवार वाड़ा पर. तो guys, शनिवार वाड़ा को एक बार आपको दिखा देता हूँ. इट लुक्स क्वाइट ब्यूटिफुल. जो पहले ग्लोरी थी ऑब्वियसली वो नहीं है, बट स्टिल इट इज लुकिंग क्वाइट ब्यूटिफुल माई डियर फ्रेंड्स. फाइन, तो ये है आपका शनिवार वाड़ा. चलिए ये हो गया यहाँ पर. थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम आउट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए शनिवार वाड़ा से. और गाइस चलते हैं फिफ्थ प्लेस पे. अब चलते हैं महाराष्ट्र से सीधा कर्नाटक. कहाँ चलते हैं दोस्तों? कर्नाटका चलते हैं सीधा. लेट्स गो टू कर्नाटका डायरेक्टली. नाउ गाइस, कर्नाटका के अंदर आपकी नेक्स्ट प्लेस है बंगाल. बंगाल नहीं है, बंगाल है. क्या नाम है याद रखना है आपको? क्या नाम है दोस्तों? बंगाल. बंगाल, हरे बंगाल, हीरे बंगाल. सो गाइज, ये एक मीजोलिथिक स्ट्रक्चर है. आप यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊंगा, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब मिल सकता है. अभी टेंटेटिव लिस्ट के अंदर ये है. सो यहां पर मैंने आपको दिखाया है ये हीरे बंगाल. ये कुछ ऐसा लगता है गाइज, ये आप देख सकते हैं मेगालिथिक स्ट्रक्चर है. जो मेगालिथ थे साउथ इंडिया के, उन्होंने ये बनाया है. फाइन, सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एज वेल. आपने पढ़ा होगा एंशियंट हिस्ट्री की बुक के अंदर मेगालिथ्स के बारे में. फाइन, ओके गाइस, द लास्ट साइट इज द घाट्स ऑफ नर्मदा. और आपको ये भव्य दृश्य भी नर्मदा नदी का मैं आपको दिखाने वाला हूं आज की क्लास में. सो थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और चलते हैं नर्मदा रिवर की तरफ गाइज, मध्य प्रदेश में. एंड दीज आर द घाट्स ऑफ नर्मदा. द लमेता घाट, आप देख सकते हैं इस घाट को, वेरी ब्यूटिफुल नियर रिवर नर्मदा. जूम इन कर रहा हूं तो इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल माय डियर फ्रेंड्स, एज यू कैन सी फॉर योर सेल्फ. सो गाइज, ये छह साइट्स हैं. मैं आपको एक बार दोबारा से बताता हूं. देखिए, लमेते घाट है आपका वाराणसी है, इसके बाद महाराष्ट्रन मिलिट्री आर्किटेक्चर है, इसके अलावा बंगाल है आपका कर्नाटका में, सतपुरा टाइगर रिजर्व है मेरे प्यारे मित्रों आप लोगों का. तो गाइज, ये छह एरियाज हैं. दीज आर द सिक्स एरियाज. एंड हाँ जी, कांचीपुरम भी है, भूल गया बताना. तो दीज सिक्स एरियाज आर इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट. अभी केवल ये टेंटेटिव लिस्ट में है दोस्तों, बहुत ही जल्दी इनके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा बाय द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, जो साल में एनुअली एक बार वो बैठती है. फाइन, और उसके बाद गाइज वी विल नो That what is the status? क्या इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस मिलता है? बाय द वे, अभी टेंटेटिव लिस्ट में इंडिया के 46 मॉन्यूमेंट्स एंड नेचुरल साइट्स हैं. तो 46 में से देखते हैं कितनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिलता है. तो ये कल की न्यूज थी, आज दे रहा हूं बिकॉज कल मैं आपको ये मैप जो मैंने आपके लिए तैयार किया था नहीं बता पाया. सो इसके बाद आपको चीजें याद हो गई होंगी ऑब्वियसली, कहां पर क्या क्या चीजें हैं ऑब्वियसली. ठीक है, चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की फर्स्ट पेज की न्यूज की, जहां पर गवर्नमेंट ने यह बात बोली है कि COVID-19 10 मीटर की दूरी तक भी फैलते हैं, कि जो 6 फीट की दूरी है जरूरी, वो अब 10 मीटर की दूरी है जरूरी, अगर सामने वाले इंसान ने मास्क नहीं पहना तो. कई यहां पर गवर्नमेंट ने यह बात बोली है कि पहली चीज, आपको हॉस्पिटल्स में, पब्लिक प्लेसेस में, इवन घरों के अंदर वेंटिलेशन को काफी अच्छी तरह से रखना है. वेंटिलेशन डेफिनेटली होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है, बिकॉज बिना वेंटिलेशन के गाइस एरोसोल्स जो है आपके घूमते रहते हैं हवा में, और जिसकी वजह से कोविड जो है वो होने का खतरा ज्यादा है. तो एक बार बता देता हूं कि गवर्नमेंट ने बाय द वे बोला क्या है. देखिए, गवर्नमेंट ने बात बोली है कि अगर ये एक पर्सन है तो गाइस जो उसकी छींकों से, उसके मुंह से बोलते हुए सलाविया के, या फिर उसकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, उसके जो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं वो 2 मीटर तक गिर सकते हैं, 2 मीटर तक. ठीक है, और जो एरोसोल्स हैं
वो 10 मीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये आपके ड्रॉपलेट्स हैं और ये आपके एरोसोल हैं। अब ये एरोसोल क्या होता है भाई? एरोसोल यानी कि एयर प्लस सॉलिड या फिर लिक्विड, यानी कि एयर के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड। सो जब हम बोलते हैं, छींक मारते हैं, सो वी रिलीज दी एरोसोल, हम एरोसोल बनाते हैं। मैं आपको ये चीज दिखाता भी हूं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, यहां पर एक सेकंड रुकेगा, ये देखिए। सो दीज आर दी एरोसोल्स, आप देख रहे हो कितनी दूर तक ये चीज जा रही है, ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं। एंड दिस इज द एरोसोल दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय स्नीजिंग। आ रही है बात समझ? हेलो मोनिका, व्हाट्सअप माधुरी, स्नेहा, कैसे हैं आप? फाइन। तो गाइस दिस इज व्हाट इट इज। तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये 2 मीटर तक जा सकती हैं दोस्तों, और ये जो एरोसोल्स हैं दे कैन ट्रेवल अप टू 10 मीटर। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि वेंटिलेशन रखनी बहुत जरूरी है। जो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन्ड बिल्डिंग है उसके अंदर भी खिड़कियां अब आपको खोल के रखनी है। तो गाइज इस टाइम पे अपना ध्यान जरूर दें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं खोल सकते हैं हर्षप्रीत, अगर आपके जो घर है पड़ोस का वो थोड़ा सा दूर है, अगर बिल्कुल चिपका हुआ है और खिड़कियां एक दूसरे के आमने सामने है, बिल्कुल चिपकी हुई है, तो ऑब्वियसली आपको बंद करके रखना चाहिए, आपको वो खोलना नहीं चाहिए। दूसरी साइड की आप विंडो खोल सकते हैं, फाइन। तो ये चीज देखिए आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। भाई मिल सकते हैं मोनिका, आई थिंक डेली करंट अफेयर्स एक क्विज, शायद 11 बजे क्लास होती है, कुंवर प्रतीक सर लेते हैं, याद आ गया मेरे को, है ना? तो आप वहां पर देख सकते हैं। इस क्लास को शेयर करें और लाइक नहीं कर रहे यार, आप इतनी बढ़िया चीजें आपको दिखा दी, वो वीडियो जो कल मैं भूल गया था दिखाने डालनी, मतलब पता नहीं कहां गायब हो गई थी, वो मिल गई और मैंने आपको दिखा दी, है ना? चलिए, और कई जो फर्स्ट पेज पे न्यूज थी वो भी मैंने आपको बता दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए गाइज आगे बात करते हैं, रिस्क ऑफ फॉर चिल्ड्रन। देखिए अभी ये सिर्फ इनिशियल रिसर्च है। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ये बात बोल रहे थे कि सिंगापुर स्ट्रेन आ रहा है, आज एक और रिसर्च गाइज ये आया है कि B.1.1.7 स्ट्रेन जो है आपका, दैट इज नोन एज योर यूके स्ट्रेन, उससे बच्चों को ज्यादा खतरा है। ऑब्वियसली जो इंडियन स्ट्रेन है वो यूके स्ट्रेन से डिराइव हुआ, क्योंकि इंडियन स्ट्रेन का नाम क्या है, B.1.617, सो इट इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम दी यूके स्ट्रेन ओनली। सो गाइज ऑब्वियसली ये जो स्ट्रेन है बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है, ये इनिशियल रिसर्च में बात पता चली है, इसके ऊपर हमें रिसर्च करना अभी जरूरी है। ये न्यूज भी फर्स्ट पेज पे आज आपको दिखने वाली है, आया ना? सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। सो यहां पर ये बात बोली गई है, विच कुड बी वाई मोर किड्स सीम टू बी गेटिंग द डिजीज, बिकॉज गाइस ये जो म्यूटेशन है ये वायरस को ज्यादा लैच करवाता है आपके सेल्स के ऊपर, यानी कि वायरस आपके सेल्स के ऊपर ज्यादा देर तक रह सकते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से अपने आप को प्लेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चे भी इसकी चपेट में आते हुए आपको दिख रहे हैं। मेरी कजन बहन है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उनके घर पे किसी को कोविड नहीं था, सबसे पहले उनके घर पे एक छोटा सा बच्चा है 2 या 3 साल का, उसको सबसे पहले कोविड हुआ, और उसके बाद पूरे परिवार को कोविड हो गया, टचवुड सब सही है, ठीक है? तो भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिनेलिमा, इसके बारे में आपको बता दिया है, B.1.617.2 के बारे में आपको, बाय द वे मैंने जो सिंगापुरियन स्ट्रेन है इसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने बोला था, है ना? तो गाइज ये चीज आपको याद रखनी जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइज चलते हैं सीधा एंटार्क्टिका, अब सिंगापुर और यूके को छोड़ के। देखिए रिसेंटली A76 आइसबर्ग टूटा है एंटार्क्टिका से, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है, बट गई साइंटिस्ट्स के हिसाब से ये एक पोलर साइकिल है, जिसकी वजह से ये आइसबर्ग एक शेल्फ से, एक आइस शेल्फ से टूटा है। तो ये वो आइसबर्ग है, आप देख सकते हैं एंटार्क्टिका में वेडल सी के अंदर है, मैं एक बार आपको वेडल सी जो है उसकी वहां ले चलता हूं, ऑब्वियसली गूगल मैप्स के थ्रू ही। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया, है ना? अब मैं जरा चलता हूं वेडल सी पे लेके, जो आप देखोगे साउथ अमेरिका के नीचे है, और ये वाली जो शेल्फ है यहां से ये आइसबर्ग टूटा है, ठीक है? तो आपको ये बात याद रखनी है, सॉरी गाइस फॉर द बर्ब। सो यहां से गाइस ये आइसबर्ग टूटा है, A76 इस आइसबर्ग का नाम है, तो ये यहां से टूटा है, वेडल सी ये रीजन है, ये अटलांटिक ओशन के नीचे एरिया है एंटार्क्टिका का,
और ये साउथ अमेरिका के पास एरिया है आपका, देखेंगे तो गाइस बेसिकली जो वेस्टर्न एंटार्क्टिका है वो ज्यादा वल्नरेबल है क्योंकि वो थोड़ा सा लोअर हाइट पे, लोअर एलिवेशन पे है, तो वेस्ट एंटार्क्टिका ज्यादा पिघल रहा है एज कंपेयर टू द ईस्ट एंटार्क्टिका, यानी कि जो अमेरिका के नीचे वाला एंटार्क्टिका है वो ज्यादा पिघल रहा है एज कंपेयर टू द एंटार्क्टिका दैट इज बिलो द एशिया। तो ये बात आपको पहली चीज याद रखनी है, वाई बिकॉज एलिवेशन का डिफरेंस है थोड़ा सा, यहाँ पे समुद्र का गर्म पानी भी बहुत ज्यादा इंग्रेस कर रहा है ग्लेशियर्स के नीचे, जिसकी वजह से वहां पर मेल्टिंग का रेट काफी ज्यादा हाई हुआ है। लेकिन गाइज यहाँ पर जायर्स होते हैं यानी कि सरकम पोलर करंट्स होते हैं बाय द वे, जो एंटार्क्टिका को बांध के रखते हैं, यहाँ की आइस को बांध के रखते हैं, तो ये एक सरकम पोलर साइकिल है जो हर 12-13 साल के अंदर होती है। अभी हमें एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि कितने टाइम में होती है, उसके लिए और रिसर्च की अभी जरूरत है मेरे प्यारे मित्रों। आई बात समझ? सो गाइज ये है वेडल सी की न्यूज, आपको समझ में आना चाहिए कि वेडल सी कहां पर है। अब दोस्तों यहां पर साइंटिस्ट ने यह बात बोली है कि इतनी बड़ा आइसबर्ग है ये, इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा है ये, कि अगर आप इसको स्पेन के एक आइलैंड, इसका नाम है मजोरका, अगर आप उससे कंपेयर करते हो तो उससे भी ये बड़ा है। तो मैं एक बार आपको मजोरका आइलैंड दिखा देता हूं। देखो स्पेन ये है यूरोप में, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं, और गाइस ये है आपका मजोरका आइलैंड। ये कितना बड़ा आपको आइलैंड दिखता है, काफी बड़ा दोस्तों ये आइलैंड है, आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। तो इस आइलैंड से भी बड़ा वो आइसबर्ग है जो वेडल सी के अंदर आप देखोगे अभी अभी तैर रहा है ना। सो इट इज वेरी 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 बिग, वेरी बिग, लार्जेस्ट जो अभी तक साइंटिस्ट ने देखा है, तो एक आइलैंड जितना बड़ा है, ठीक है। So guys, this is a very important news, और आपने ज्योग्राफी भी यहां पर लर्न कर लिया, आप देख सकते हैं, फाइन। तो दिस इज गाइज वॉट इट इज अबाउट वेडल सी, ठीक है, ये रीजन है आप क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज एंटार्क्टिका में ये जो रीजन है वेस्टर्न एंटार्क्टिका का, यहां पर प्रपोज्ड मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाने की बात हो रही है, बट देखिए जो प्रोटेक्टेड मरीन एरियाज हैं वो एक नेशन क्रिएट करती है, और एंटार्क्टिका जो है वो एक नेशन नहीं है, एक कंट्री नहीं है, एक कॉन्टिनेंट है बट एक टेरिटरी है। यहां पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि टेरिटरी और कंट्री में फर्क होता है। कंट्री एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, एक राजनीतिक कॉन्सेप्ट है, क्यों? क्योंकि कंट्री की बाउंड्री होती है जो लॉ द्वारा, यानी कि किसी लॉ के द्वारा निर्धारित की गई होती है। यस और नो? दे आर डिमार्केटेड बाय अ लॉ। इंडिया का क्या है भाई? आर्टिकल नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस और नो? सो कंट्री इज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, वहीं जो टेरिटरी है वो एक ज्योग्राफिकल, एक फिजिकल कॉन्सेप्ट है। ये एक टेरिटरी है दोस्तों, आप देख सकते हैं, टेरिटरी यानी कि एनीथिंग ऑन लैंड। सो एंटार्क्टिका एक टेरिटरी है, यहां पर बहुत सारी कंट्रीज एंटार्क्टिका को, एंटार्क्टिका के कुछ पार्ट्स को यू नो क्लेम करती है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अर्जेंटीना है, यू नो चिले है, जो बहुत सारे एरियाज को क्लेम करती है दोस्तों एंटार्क्टिका में। तो गाइस आपको ये चीज भी यहां पर याद रखनी है, इसीलिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा किसी भी एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करने में, बिकॉज वहां पर बहुत सारी कंट्रीज का आपको लगभग लगभग यू नो एसेंट चाहिए होगा, फाइन, दे ऑल हैव टू गिव एसेंट, फाइन। तो गाइस ये चीज है, ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है एंटार्क्टिका के बारे में। अब भाई एक न्यूज है आपको बता देता हूं, बाय द वे सेंटर सर्कमवेंटिंग स्टेट्स, ये न्यूज जिन्होंने आज सुबह की 9:30 वाली क्लास मेरी नहीं देखी, उन लोगों ने बाय द वे इस न्यूज को एज अ पॉलिटिकल न्यूज सुन के नेग्लेक्ट कर दिया होगा, आई एम डैम श्योर। पर मैं देखो आपको पूरी कहानी बताता हूं, क्या पूरी कहानी है, और आपको ये समझाता हूं कि ये न्यूज़पेपर में क्यों है और इसके ऊपर क्वेश्चन कहां से आ सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, हुआ कुछ ऐसा, देखो नॉर्मल सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास ब्यूरोक्रेट्स का, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर का इमीडिएट कंट्रोल होता है, दे हैव द इमीडिएट कंट्रोल ऑब्वियसली, बट अल्टीमेट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, फाइन, ये नॉर्मल हायरार्की होती है, फाइन। तो अगर आपको स्टेट से कुछ बात करनी है तो आप वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप जाके ब्यूरोक्रेट्स को, यानी कि एग्जीक्यूटिव्स को, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उसको डायरेक्शन देती है और वो चीज उसके बाद फॉलो होती है। पर गाइस रिसेंटली, कल की बात है, एक लेखक हैं जो आजकल हमारे
एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका नाम है पोखरियाल जी, रमेश पोखरियाल, आप जानते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्टली मेरे प्यारे मित्रों ब्यूरोक्रेट से बात करी, बीच में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको उन्होंने स्किप कर दिया, उनको उन्होंने ओवरलैप कर दिया, फाइन, उन्होंने उनको स्किप कर दिया मेरे प्यारे मित्रों। तो क्या हुआ उसके बाद, रिसेंटली आपको पता है कि पॉलिटिकल एनवायरमेंट चार्ज्ड है, वेस्ट बंगाल में अपोजिशन की गवर्नमेंट है, अगर सेम गवर्नमेंट होती, दोनों बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, ऑब्वियसली इंटरनली मैटर जो है वो सुलट जाता, बट यहां पर जो गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल में वो दीदी की है, और दीदी तो बैठती नहीं है शांत, उन्हें तो कुछ ना कुछ करना है, तो उन्होंने बोला है कि दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और देखिए वैसे अगर हम देखें कि पोखरियाल जी का डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव से बात करना, आईएएस आईपीएस जो सेक्रेटरी थे उस स्टेट के, उससे बात करना क्या सही है, मेरे प्यारे मित्रों अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो इट इज डेफिनेटली राइट। और कॉन्स्टिट्यूशनली कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन से आर्टिकल के अंदर ये चीज लिखी है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो गाइस देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, सिंपल बात यह है कि अगर आप आर्टिकल 256 को एक बार आउट लाउड पढ़े, देखिए आर्टिकल सीधा मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उससे निकाल के दे रहा हूं, एक बार इसको पढ़ के देखें, एक बार रीड करेंगे, चलो। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शेल सो बी एक्सरसाइज्ड, यानी कि आपकी जो दीदी जी अगर अपनी पावर यूज कर रही हैं तो उनको इस प्रकार से अपनी पावर यूज करनी है, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि आपको ऐसे वो करना है कि आप पार्लियामेंट्री लॉज को कॉन्ट्रावी ना करें, उनको वॉयलेट ना करें, और साथ में यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर को कॉन्ट्रवीन ना करें। सो स्टेट की पावर कुछ इस तरह से यूज होनी चाहिए। सर ये मीट, अरे मेरे प्यारे, मीटिंग थी क्लास 12 के बोर्ड्स के एग्जाम के बारे में, बाय द वे, ठीक है, चलो। इसके अलावा गाइस यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस सब हेडिंग के अंदर आर्टिकल 256 भी दिया है, जहां पर लिखा है कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट्स इन सर्टेन केसेस, और पोखरियाल जी का डायरेक्ट बात करना वेस्ट बंगाल के सेक्रेटरी से, ये जस्टिफाइड है अंडर आर्टिकल 257। कैसे भाई, एक बार पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। देखो, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शेल सो एक्सरसाइज्ड एज नॉट टू इंपीड और प्रिजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एंड एग्जीक्यूटिव पावर shall extend to giving of such direction to the state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose। तो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मेरे प्यारे मित्रों ये चीज आपको क्लियर होती है कि सर्टेन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को directions दे सकती है, बट यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की पावर आप कम नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी प्रिजुडाइज्ड, यस और नो माय डियर फ्रेंड्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल गाइस, इट इज वेरी मच लीगल फॉर पोखरियाल जी द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन टू गिव दिस डायरेक्शन। सो ये आर्टिकल दोनों दोस्तों याद कर लो, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, जो आर्टिकल न्यूज में है वही पूछा जाएगा, और ये दोनों आर्टिकल न्यूज में आ गए, देख लो भाई। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है बाय द वे आज, तो भाई देख लें, ये चीज समझ में आपको आनी चाहिए। इसके अलावा नीचे आर्टिकल है वहां पर नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए भी आप दे सकते हैं डायरेक्ट, यू नो अगर कोई मिलिट्री की कुछ चीज है तो आप दे सकते हैं, अगर कोई हाईवे वाटरवे की बात है तो भी आप देख सकते हैं, रेलवेज की बात है तो भी आप डायरेक्ट डायरेक्शन दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, फाइन। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए भाई, दीदी फ्लॉप्स मोदी जी रॉक्स, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दीदी जी वैसे हिट हो गई हैं वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के बाद, सॉरी बट मजाक कर रहा था दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं भाई, एक बड़ी दुखद खबर आ रही है, श्रीलंका पार्लियामेंट पासेस द बिल ऑन चाइना बैग्ड पोर्ट सिटी। मैंने दो हफ्ते पहले आपको पढ़ाया था कि ये बिल श्रीलंकन पार्लियामेंट में प्लेस हो चुका है और मे बी पास हो जाएगा, और मैंने आपको उस टाइम पे बोला था
कि मैं आपको जब भी ये पास होगा मैं आपको इसके बारे में डिटेल दे दूंगा, इसके बारे में अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों आज वो दिन है प्यारो जिस दिन हमें इस बिल के बारे में बात करनी है। चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखिए कोलंबो में, कोलंबो एक कैपिटल सिटी है श्रीलंका की, बहुत ही बड़ी सिटी है और इंडियन ओशन में वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट है। कहां पर? इंडियन ओशन के अंदर मुंबई पोर्ट से भी ज्यादा बिजिएस्ट पोर्ट आपका कोलंबो पोर्ट है, दुबई पोर्ट से भी ज्यादा बिजी है, इतना बिजी पोर्ट रहता है। तो वहां पर आप देखोगे कि श्रीलंका को चाइना ने ऑफर किया था कि दे विल डेवलप अ इकोनॉमिक दिस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी इन कोलंबो। तो भाई श्रीलंका एक्सेप्टेड माय डियर फ्रेंड्स दिस ऑफर फ्रॉम चाइना। अब देखो इस सिटी में दिक्कत क्या है, सारी अपोजिशन पार्टी श्रीलंका में इसको अपोज क्यों कर रही है? गाइस आप इस सिटी में जो श्रीलंका में बन रही है आप श्रीलंकन रुपीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन दिस सिटी इन श्रीलंकन रुपीज। इसका मतलब क्या है भाई? आप डोमेस्टिकली इस सिटी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जमीन नहीं खरीद सकते। That is a very, very, very concerning clause of this bill. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या है भाई, मान लीजिए दिल्ली के अंदर हम एक SEZ बना रहे हैं और उसके अंदर आप इंडियन रुपीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते भाई, ये तो कमाल है यार। कैसे लोग हैं, कैसी कंट्री है भाई, बिल्कुल ही बिक गए। हम मनटोटा पोर्ट के पैसे चुका नहीं पाए 99 ईयर्स की लीज पे, दे दे 99 ईयर्स की लीज पे, बताओ जी। अब यहां पर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप श्रीलंकन रुपीस में नहीं दे सकते, क्या क्या करें दोस्तों इसमें? अब इसकी वजह से आप देख रहे हो गाइस 1.4 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना यहां पर। 1.4 बिलियन डॉलर बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। एक बार मैं आपको ये पोर्ट सिटी गूगल मैप्स के थ्रू दिखा देता हूं तो भी प्रसाइज कहां पर है। चलिए चलते हैं दोस्तों श्रीलंका, आज तो बहुत घूम लिए एंटार्क्टिका, इंडिया में इतना घूम लिए, नाउ श्रीलंका भी हो आते हैं। तो यहाँ पर गाइस ये पोर्ट, ये श्रीलंका का पोर्ट आपको दिख रहा है और नीचे ये सिटी है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ये है ये वाली, ठीक है। सो दिस इज द कोलंबो इन श्रीलंका एज यू कैन सी, फाइन। चलिए तो गाइस ये चीज आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए कि क्या लॉज है। एक बार ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं और थोड़ी सी ज्योग्राफी भी जान लेते हैं श्रीलंका की। देखिए ये है हम्बनटोटा का पोर्ट, ये बिल्कुल फेस है दोस्तों किस पे, इंडियन ओशन को फेस करता है आप देख सकते हैं, ये चाइना के पास है आजकल। पोर्ट ऑफ कोलंबो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं सबसे बड़ा पोर्ट है, ये भी अब चाइना के पास जाने वाला है जो मुझे लगता है। चलिए नेक्स्ट गाइज यहां पर सॉरी जी हाँ, अरे भाई क्या हो गया, हाँ एक सेकेंड रुकेगा दोस्तों। जी हाँ देखिए दोस्तों यहां पर बेसिकली अगर आप श्रीलंका के प्रेसिडेंट्स को देखेंगे तो आपको दिखेंगे पहले तो 2008 से लेके लगभग 2014-15 तक महिंदा राजपक्षा ये प्रेसिडेंट थे। आज के टाइम पे इनके भाई गोटाबाया राजपक्षा प्रेसिडेंट हैं और राजपक्षा तीन भाई हैं बाय द वे, और राजपक्षा फैमिली इज अलाइंस्ड टू चाइना, दे आर प्रो चाइना, दे हैव अ प्रो चाइना एटीट्यूड। तो आज के समय पे अगर आप देखोगे तो गोटाबाया राजपक्षा प्रेसिडेंट है मेरे प्यारे मित्रों और महिंदा राजपक्षा प्राइम मिनिस्टर हैं। अरे वाह तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों भाई भाई हैं और आप देख रहे हो कैसे चाइना स्लोली माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों हैं, ये हैं गोटाबाया राजपक्षा जी और ये हैं आपके महिंदा राजपक्षा, ये हैं प्राइम मिनिस्टर और ये है प्रेसिडेंट अभी श्रीलंका के। कैसे ये दोनों जाकर बैठे हुए हैं मेरे प्यारे मित्रों चाइना की गोदी में। तो गाइस यहां पर क्या रीजन हो सकता है कि श्रीलंका कोलंबो सिटी में श्रीलंकन रुपीज को बैन कर रही है इन्वेस्टमेंट, व्हाट मे बी द रीजन? सोचे गाइस बेसिकली श्रीलंका ये मानता है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है कोलंबो में
और वहां पे इंडियन इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं से घूम के उस सिटी के अंदर आ सकती है या फिर और किसी देश की इन्वेस्टमेंट आ सकती है ऑब्वियसली. सो इसीलिए ये काम हुआ है मेरे प्यारे मित्रों. फाइन, तो दूसरी चीज वो ये बोल रहे हैं करप्शन रोकना है, ये करना वो करना है, तो उसका अलग ही इनका सीन चल रहा है. तो गाइस ये इसका बेसिक रीजन है जो मैंने आपको दिया है. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों. चाइना कंप्लीट्स स्ट्रेटेजिक तिब्बतन हाईवे नियर अरुणाचल प्रदेश. भाई देखिए कुछ दिन पहले मैंने आपको ये न्यूज दी थी कि चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर 4-5 डैम्स क्रिएट करी हैं और उन डैम्स के थ्रू ऑब्वियसली फ्लैश फ्लड्स चाइना इंडिया के अंदर लेकर आ सकता है. दोस्तों क्लास को लाइक करो फटाफट. हेलो मोहम्मद जावेद कैसे हैं. सो गाइस यहां पर देखिएगा आप, चाइना ने एक हाईवे कंप्लीट किया. तो अगर आप यहां पर देखें मेरे प्यारे मित्रों, ये आपको दिखता है अरुणाचल प्रदेश, भारत का एक अभिन्न अंग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. और यहां पर आपको तिब्बत में दिखती है ये सिटी, इसका नाम है निंगची. क्या नाम है? निंगची. तो गाइस यहां पर अगर आप देखोगे चाइना ने ये हाईवे क्रिएट किया है जो बैबिंगयुआन एक जगह है, आप देख सकोगे वुहान से लगभग 300 किलोमीटर दूर है वुहान, आपने सुना होगा नाम वुहान का, जहां से कोविड शुरू हुआ है. तो ये हाईवे दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों डायरेक्टली तिब्बत को जोड़ रहा है यहां से. इसका मतलब यहां से डायरेक्ट बीजिंग के लिए हाईवे है, यहां से डायरेक्ट आपके पास शंघाई के लिए एक्सप्रेस वे है, वुहान के लिए एक्सप्रेस वे है, रेलवे है. तो इसका मतलब चाइना नाउ व्हाट इट कैन डू माय डियर फ्रेंड्स, इट कैन इजीली माय डियर फ्रेंड्स put its military infrastructure very very soon on the Indian border. और यहां पर guys एक बहुत बड़ा challenge था, आप देखोगे बहुत बड़ा challenge था in front of Chinese engineer, because world का deepest canyon वो यहीं पर है जिसका नाम है यारलोंग सैंगपो canyon, जहां से आपकी ब्रह्मपुत्र river जो है guys वो U-turn लेती है. तो एक बार आपको zoom in करके दिखाता हूं इस region में, और ये है आपका यारलोंग जैंगबो ग्रैंड कैनियन, और यहां से आप देख रहे हो ये हाईवे जो है ये निकल रहा है. गाइस इट वाज इंजीनियरिंग मार्वल. तो यहां पर आप देखोगे नमचा बारवा पीक भी है, और यहां से ब्रह्मपुत्र रिवर जो बाय द वे वो यू टर्न लेती है इस प्रकार से और इंडिया के अंदर एंटर कर जाती है. इफ यू डोंट नो फाइन, सो आप यहां पर देख सकते हो ये रिवर है ब्रह्मपुत्र, ये देखिए ये ऐसे यू टर्न ले रही है और ये इंडिया में एंटर कर रही है ना यहां से. तो ये चीज गाइज आपको याद रखनी है, ये है इंडिया और अरुणाचल का बॉर्डर, कैसे ये यू टर्न ले रही है अलोंग दी नमचा बारवा पीक. और यहां पर आपको दिखेगा यार ये यारलुंग सैंगपो गॉर्ज. फाइन, तो गाइज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हो रही है इस टाइम पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चाइना के अंदर हमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा बॉर्डर पे भाई, अब ऐसे काम नहीं चलेगा. आने वाले आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आप हैं, आपको पॉलिसी तैयार करनी है, तो फोकस रखिएगा दोस्तों, सब्सिडी थोड़ी सी कम करें और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें. अगर हम ऐसा करेंगे ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड्स वी विल बी सेफ. यस और नो? चाइना को आप देख रहे हो कितना ज्यादा. देखो मैंने जो सुना है, मैं ये आपको नाम नहीं बताऊंगा, मेरी किसी से बात हुई थी, ही इज फ्रॉम ऑब्वियसली आर्मी, उन्हें बात बोली कि हमारे एटलीस्ट 25-30 जवान बिल्कुल पोस्ट पे रहते हैं बॉर्डर के, उनके 2 या 3 रहते हैं, और जब इनिशियली कुछ स्क्रिमिश शुरू होती है तो हम डोमिनेट करते हैं, बट विद इन हाफ एन आवर उनकी पूरी पलटून पहुंच सकती है बॉर्डर पे. तो बहुत जल्दी अपनी आर्मी को मेरे प्यारे मित्रों प्लेस कर सकते हैं, पीछे रख सकते हैं. तो ये चीज हमें भी करनी है, वी नीड टू डेवलप दी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इन दीज एरियाज माई डियर फ्रेंड्स. ये बात दोस्तों समझ में आपको आनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. भाई पहले हेल्थ और एजुकेशन जरूरी है, हेल्थ और एजुकेशन का क्या आप अचार डालेंगे अगर पूरा इंडिया चाइना बन गया तो? ऑब्वियसली हेल्थ एंड एजुकेशन जरूरी है. देखिए लाइफ में हमेशा चीजों को बैलेंस करके चलना चाहिए. फाइन, अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो डिसबैलेंस हो जाएंगे और गिर जाएंगे. तो इसीलिए आपको यहां पर भी बैलेंसिंग एक्ट डेफिनेटली करना है, साथ ही आपको एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना है, उसको भी आपको छोड़ना नहीं है. आर ये बात समझ? यस, यू हैव टू फोकस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन एज वेल. फाइन, चलिए. और आपका वैसे इनिशियली अगर आप मोस्ट प्रोबेबली जब आप निचले तब पे होंगे, अब आप SDM DM होंगे, उस टाइम पे आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर होंगे ऑब्वियसली, तो उस टाइम पे आप पॉलिसी नहीं बनाएंगे,
एट दैट टाइम यू विल बी अंडर द स्टेट्स, और तब आप हेल्थ और एजुकेशन पे ऑब्वियसली काम कर सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर। वेरी गुड हर्षप्रीत। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम। तो भाई देखिए ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम यूएसए का प्रोग्राम है। देखिए जो लोग यूएसए बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं उनके लिए ये फास्ट एंट्री प्रोग्राम है, यानी कि भाई जल्दी जल्दी बंदा घुस जाए बिना किसी इशू के साथ, बिना इमिग्रेशन के इशू के साथ, बिना कस्टम्स के इशू के साथ वो एंट्री ले सके। अब गाइस इंडिया से जिन लोगों को ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम के तहत मेंबरशिप चाहिए उनकी बैकग्राउंड चेक कर रहा है ये सिस्टम, जिसको हम कहते हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ये बात आपको याद रखनी है। तो ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम के बारे में याद रखना है, यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन का ये प्रोग्राम है जो आपको गाइज फास्ट एंट्री दिलवाता है यूएस के अंदर। अगर आप गाइज फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हैं यूएस में तो एप्लीकेंट को $100 की फीस देनी पड़ती है एंड एक पर्सनल इंटरव्यू के पास दे कैन गेट दिस ग्लोबल गेट इनटू द ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम। तो कुछ भी नहीं है, आपकी एंट्री को फास्ट ट्रैक करता है, आपको एयरपोर्ट पे टाइम कम लगेगा। अगर आप नॉर्मली यूएस जाते हैं तो दो से तीन घंटे लगते हैं आपको एयरपोर्ट के ऊपर, आपकी स्क्रीनिंग होती है, आपको इमिग्रेशन के थ्रू जाना पड़ता है, आपको कस्टम्स के थ्रू जाना पड़ता है। अगर आप अब मेरे प्यारे मित्र होंगे तो आप यू कैन गो वेरी फास्ट वेरी इजीली, नो इश्यूज इन दैट, फाइन इफ यू आर एनरोल्ड इन ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम ऑफ यूएसए माय डियर फ्रेंड्स, फाइन। तो गाइस ये चीज आपको समझ में आनी ही चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए भाई चाइना की बात करते हैं, दोबारा से चाइना के ऊपर आते हैं दोस्तों। चाइना ने एक रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च करी है जिसका नाम है HY2D हाईयांग 2D। गाइस ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है भाई, रिमोट यानी कि दूर से सेंस यानी कि ऑब्जर्व करना। सो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है दोस्तों ये HY2D चाइना की, जो चाइना ने रिसेंटली लॉन्च करी है। एक बार मैं आपको उसका लॉन्च भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये लॉन्च भी देख लेते हैं जो रिसेंटली लॉन्ग मैच रॉकेट के ऊपर हुआ है, आप क्लियरली लॉन्च को देख सकते हैं फ्रॉम चाइना। HY2D सैटेलाइट का लॉन्च है ये, फाइन। तो गाइस ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज द लॉन्च ऑफ HY2D, फाइन। सो गाइस दिस इज व्हाट इट इज। चलिए मेरे प्यारे मित्रों बात करते हैं फिनमिन ग्रांट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू कन्वेंशन सेंटर्स। भाई कन्वेंशन सेंटर्स क्या होते हैं आपके, जहां पे मेले लगते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली में प्रगति मैदान है या फिर ऑटो एक्सपो सेंटर है ग्रेटर नोएडा में एक्सेट्रा। तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया है फिनमिन ने, इसकी वजह से इनके अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, इनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलेगा मेरे प्यारे मित्रों, और आपको बेस्ट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, फाइन। लेकिन भाई यहां पर एक इंपॉर्टेंट लिमिट है, मिनिमम बिल्ट अप फ्लोर एरिया आपका कितना होना चाहिए, 1,00,000 square kilometers का होना चाहिए। ओनली आफ्टर दैट इट विल बी गिवन दी व्हाट टेल मी इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे प्यारे मित्रों स्टेटस, फाइन। सो गाइस यहां पर आप देखोगे द्वारका में दिल्ली में एक एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, बहुत ही बड़ा बन रहा है दोस्तों, ठीक है। और यहां इसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल चुका है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं CBID प्रोग्राम की। ये CBID प्रोग्राम लॉन्च किया है दोस्तों किसने, कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। गाइस यहां पर फोकस है दिव्यांगजनों के ऊपर, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके ऊपर फोकस है। ये 6 महीने का प्रोग्राम है और यहां पर फोकस किसके ऊपर है दोस्तों, आपको मैन पावर ऐसी क्रिएट करनी है जो दिव्यांगजनों को हेल्प कर सके डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और मेरे प्यारे मित्रों उनको सेंसिटाइज कर सके, फाइन। सो बहुत सिंपल सा ये प्रोग्राम है, आपको याद रखना है CBID प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, फाइन। तो गाइस यहां पर ये क्लास करता हूं समाप्त। दोस्तों आपके लिए ये कोड है SAFE55, दोस्तों इस कोड का इस्तेमाल करें और ग्रेडअप के ऊपर 55% ऑफ पाए ऑन ग्रेडअप सुपर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आप एनरोल कर सकते हैं एक कोर्स के अंदर। गाइज हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया क्रैश कोर्स है 10th October के एग्जाम के लिए, उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा 1st June से 2022 और 2023 के लिए भी हम एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो प्लीज एनरोल इफ यू वॉन्ट टू एनरोल। भाई इतनी स्पीड थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं भाई, आप लोग कंप्लेन करते हो कि सर क्लास लंबी खींच रही है,
वो तो फिर दिक्कत है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सो मेरे प्यारे मित्रों, अगर यू वॉन्ट दिस क्लास नोट्स, नीचे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो यू विल फाइंड दिस लिंक वेयर यू कैन ज्वाइन दिस चैनल ऑन टेलीग्राम, एंड यहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चले मेरे प्यारे मित्रों, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं दोस्तों अब सीधा मंडे को मिलेंगे, और दोस्तों कल शाम को 7 बजे पैसे कमाएं आकर सेशन के अंदर। ठीक है, चलो प्रगतिपाल को आप बताएंगे, मुझे, मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, नीचे कमेंट में लिखें कल की वीडियो के। ठीक है, चलें, ओके गाइस, बाय, टेक केयर। अच्छा चलो यार, चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो देखो, सुनो मेरी बात, जो बेल्जियम वाली न्यूज मैंने आपको कल बताई थी, उसके अंदर मेरे हिसाब से और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से पर्सनल एक्ट्स के ऊपर भी आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो एक डिप्लोमेट चाइना में और उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करी, तो चाइना बोलेगा नहीं, ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है, तो पर्सनल ड्यूटी है इसकी, है ना, और उसको पकड़ लेगा। तो आपको डिप्लोमैट्स को 100% प्रूफ इम्यूनिटी देनी ही पड़ती है, बिकॉज नहीं तो झंझट होगा, डिप्लोमैट्स को पकड़ा जा सकता है मेरे प्यारे मित्रों। तो ये चीज याद रखिएगा, वेरी गुड, आपको ये बात याद थी प्रगतिपाल, वेरी गुड, ऑसम। ठीक है, क्लियर होती है बात, चलिए बाय गाइज, टेक केयर, एंड गाइज आई विल मीट यू वेरी वेरी सून ऑन मंडे एट 7 PM नाउ, एट 9 PM नाउ, बाय गाइज।